Hey guys, welcome to 100K Q&A. And भले मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा हूँ, बट मैं हूँ नहीं, बिकॉज हमारे चैनल को पड़ चुका है एक और स्ट्राइक, और किसी भी क्रिएटर के लिए एक नाइटमेयर जैसा है. बट आई नो कि एज ए क्रिएटर मुझे कितने ही दुख हो रहा हो, बट मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें मैं खुश रखूँ. तो इसीलिए इन दुख भरी बातों को साइड में रख के हम स्टार्ट करते हैं अपने Q&A. इससे पहले कि मैं तुम्हारे खतरनाक सवालों को लेना स्टार्ट कर दूँ, कुछ बेसिक सवालों का जवाब दे देता हूँ. जैसे कि माय नेम इज सुब्रजीत, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और जो सवाल तुम लोगों ने सबसे ज्यादा पूछे हो उसका आंसर है कि नहीं, मेरा गर्लफ्रेंड्स वगैरह नहीं है. अच्छा, ओके, बट कम से कम अभी तो नहीं है, ठीक है? तो इस बार में क्वेश्चन मत पूछना. तो अब ये बेसिक सवालों के बाद स्टार्ट करते हैं अपना Q&A. वैसे तो इस वीडियो में मैं सभी के क्वेश्चन लेने की कोशिश किया हूँ, लेकिन अगर बाय चांस तुम्हारा क्वेश्चन मेरे से छूट गया तो मैं पहले ही माफी मांग रहा हूँ. तो Q&A को स्टार्ट करते हैं. अरसान खान 786 भाई ने पूछा है, फर्स्ट क्रश. तो अगर टीवी की बात करें तो फर्स्ट क्रश थी रीरू. पैरानॉर्मल एक्टिविटी. मैं बचपन में हॉस्टल में रहता था और बहुत सारे ऐसे चीजें मेरे साथ हुए हैं जिसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है. तो अगर तुम लोग चाहो तो मैं स्टोरी टाइम बना के बता सकता हूँ. वर्स्ट डे इन योर लाइफ. वैसे तो समय ही बुरा चल रहा है, ऊपर से स्ट्राइक भी आ गया, मतलब बुरे दिन तो चल ही रहे हैं. खैर, अगर एकदम वर्स्ट डे कुछ बताना हो तो देखो, वर्स्ट इंसिडेंट बहुत सारे हुए हैं एंड उनके ऊपर भी यहाँ वीडियो लाना चाहिए मुझे. हाँ देखो, एक कंटेंट क्रिएटर हमेशा वीडियो के बारे में सोचते हैं, तो बड़े वीडियो बना के कभी बता दूंगा, ठीक है? देन बेस्ट डे इन योर लाइफ. बेस्ट डे तो नहीं पता, बट बेस्ट मोमेंट के बारे में बताता हूँ मैं. एक बार मैंने एक पंछी के जख्मी बच्चे को बचाया था, उसको मेरे साथ रखा था, उसको पाला था जब तक वो उड़ ना गया. उस टाइम को मुझे एकदम नुबिता वाला फीलिंग आया था, लाइक चुंटा वाला एपिसोड, याद है? देन फेवरेट स्पोर्ट. मुझे तो इंडोर गेम्स ही ज्यादा पसंद है, और मैजिक ट्रिक्स वगैरह सीखना, टेबल टेनिस वगैरह, ये सब मुझे अच्छा लगता है. देन फेवरेट सब्जेक्ट. स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था जियोग्राफी और बंगाली लिटरेचर. हॉबी, तो एक तो है वीडियो बनाना, जैसे कि तुम सब के लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, साथ में ड्राइंग वगैरह करना और थोड़ा बहुत स्टोरीज पोएम लिखना, ये सब मेरे हॉबीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एनिमे द एडिटर ने, व्हाट्स द नेम ऑफ योर फेवरेट हॉरर कार्टून एंड एनिमे. तो देखो, फेवरेट हॉरर कार्टून आई गेस मेरे साथ सबकी सेम ही होगा. एंड फेवरेट हॉरर एनिमे की बात करें तो एनदर मुझे काफी पसंद आया था, एंड जुंजी तो कलेक्शन का सारे एनिमे, खास करके तोमी है. बाय द वे, अगर तुम 18 के नीचे हो तो बिल्कुल भी गलती से भी ये मत देखना. हु इज योर क्रश? मैं नहीं बताऊंगा. व्हाट्स योर प्लैनेट नेम? तो देखो, इस नीले गोले में रहते रहते बहुत ज्यादा कुछ झेलना पड़ रहा है. मैं चाहता हूँ यार कि इलोन मस्क मुझे मार्स में भेज दे. खैर, तुम लोग कहाँ से हो कमेंट करके जरूर से बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डीएस एनिमे मिस्टेकर भाई ने, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान अबाउट लाइफ एंड यूट्यूब. देखो, लाइफ में क्या करना है ये तो अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब में एक जिंदा सब्सक्राइब वाला चैनल चाहता हूँ, एंड हर कोई जो चाहता है यूट्यूब सक्सेस वही. अगला क्वेश्चन पूछा है लेजेंड मास्टर X2240 ने, पोकेमोन की मूवी कब तक लाओगे? तो देखो, तुम लोगों ने उसको इतना ज्यादा प्यार दिया, मतलब इतना ही ज्यादा प्यार दिया है कि भाई क्या ही बात करूँ मैं. उसका 1K व्यूज आ चुका है उसमें, तो इसीलिए उस पर अभी काम चालू नहीं है. हाँ, मतलब लाइक अगर इतने ही लोग इंटरेस्ट हैं तो भाई इस पे प्रॉपर डबिंग वगैरह करवाने का वो काफ़ी रिस्क हो जाता है. तो अगर मुझे लानी है तो इसको शायद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन डबिंग तो मैं फिलहाल इसको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी पैसे की बात है यार. पर हाँ, वो आएगा, ठीक है? देन स्टील ट्रूप्स 2 का फिक्स डेट. देखो, एक तो तैयार करके रखो, 3rd September यानी डोरेमोन के बर्थडे पर आने का पूरा पूरा चांस है. लेकिन अगर गलती से नहीं आ पाता, जैसे कि तुम पता है ना स्ट्राइक वगैरह आया अभी, तो अगर ऐसा हो जाता है तब तो भाई देखा जाएगा, लेकिन इसी साल आएगा इसमें फुल गारंटी है मेरे पास. देन पोकेमोन के ऊपर सेपरेट वीडियो भी लाओ, जरूर लाऊंगा. देन डोरेमोन और नोबिता, इनमें से कौन ज़्यादा पसंद है? ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो इसमें डिफरेंस नहीं हो सकता, मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए एस राजपूत ने, बहुत कुछ ऑलरेडी पता है, स्टिल फेस रिवील की क्या प्लान है? तो इस चैनल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. आज तक कभी रियल में किसी सब्सक्राइबर या फैन से मिले हो? नहीं, बिकॉज किसी ने मेरा थोड़ा देखा ही नहीं है, तो पहचानेंगे कैसे? अगर कभी अपने फैन मीटअप रखा तो पार्टी दोगे ना? बिल्कुल, पूरा पार्टी मेरे तरफ से. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है SSJ गाय ने, मंथली इनकम कितना है? देखो, मंथली इनकम पहले तो ठीक ठाक आ जाता था, बट बिकॉज अभी स्ट्राइक आ चुका है एंड व्यूज भी थोड़ा डाउन चल रहा है, तो मतलब अभी जो पैसे आ रहे हैं उससे बस हम ये च्युइंगम चबाने का पैसा मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट सेटअप टूर.
तो सेटअप टूर में दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ये देखो मैंने एक माइक लिया है और ये मेरे पास ये लैपटॉप है, बस इसी से वीडियो बन रहा है। कौन सा कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हो? सैमसंग का फैमिली रिएक्शन 100K। आई मीन यूट्यूब के बारे में मेरे फैमिली को ज़्यादा कुछ पता नहीं, बट मम्मी खुश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रियान 08283 भाई ने, भाई आप कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। नेक्स्ट, आपके पास डॉग है कि? नहीं मेरे पास डॉग नहीं है, मेरे पास काऊ है। योर फेवरेट एनिमे एंड कार्टून? हाँ ये तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इतने सारे एनिमे एंड कार्टून देख चुका हूँ, उनमें से फेवरेट बताना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी अभी जितना देखा हूँ उनमें से अगर बात करूँ तो फेवरेट अभी मेरा नारुतो ही है। या लाइक नारुतो ने मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनली इम्पैक्ट किया है, तो इसलिए नारुतो मेरा फेवरेट एनिमे। एंड कार्टून्स की बात करें तो यप टॉम एंड जेरी, नारुतो और वन पीस और ब्लीच, चूज ओनली वन। मुझे तीनों ही पसंद है, नारुतो तो ख़त्म कर चुका हूँ, वन पीस का कुछ 200 के आसपास एपिसोड में चल रहा है और ब्लीच का मैं मांगा बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए इसलिए मैं चूज करूंगा बिग डैडी यानी ड्रैगन बॉल। देन 100K पर प्ले बटन। तो देखो जिस दिन मैं ये अप्लाई करने वाला था उसी दिन मुझे एक स्ट्राइक आया है, तो भाई शाबाश यूट्यूब, तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा शायद। लव फ्रॉम आसाम, थैंक यू भाई, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, हमारे ऊपर में हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डोरा काकुन ने, एनिमे यूट्यूबर्स में से आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? ओके, तो मैं काफ़ी सारे एनिमे यूट्यूबर्स को देखता हूँ, जैसे कि बीबीएफ भाई, प्यूक भाई, लोगिनियन भाई एंड और भी, बट एकदम फेवरेट की बात करूँ तो व्यूक सेंसेई। नेक्स्ट, मोस्ट इमोशनल एनिमे कैरेक्टर कौन है जिसका स्टोरी बहुत इमोशनल है? ओके, तो सबसे ज़्यादा जिसने मुझे रुलाया वो है जिराया सेंसेई। या अभी तुम में से काफ़ी लोग हो सकता है कि नारुतो ख़त्म नहीं करे हो, तो डेफिनेटली मैं तुम्हें स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ याद रखना तुम बहुत रोगे और साथ में बहुत पसंद भी आएगा तुम्हें नारुतो से पुडिन। और अगला क्वेश्चन पूछिए है शिवानी कुमारी ने, योर फेवरेट यूट्यूबर? ऑफकोर्स बीबीके बाइंस। एंड एनिमे की अगर बात करूँ तो व्यू, वेन योर वीडियोज विल कम विथ फेस, इस चैनल में तो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है एनिमेशन एरर भाई ने, वाईटी फ्रेंड्स, एनिमे स्पिरिट, एनिमेशन एरा, ओके एक्स टॉक्स भाई, ऑल एनिमे फैक्ट्स, ब्रोकन होकागे, एनिमे नेटवर्क एंड और भी काफी सारे दोस्त हैं जो कि यूट्यूब से ही बने हैं। शादी कब कर रहे हो? है बाकी लोग तो गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे, तुम तो सीधा शादी के बारे में चले गए। देखो बहुत देर है, ठीक है। फेवरेट वाइफू एक्सेप्ट नारुतो सीरीज, नारुतो में तो सुनाडा एंड हिनाटा, लेकिन अगर नारुतो को छोड़ दूं तो फेवरेट जो वाइफू है मेरे वो है रॉबिन फ्रॉम वन पीस। बाकी छोटे मोटे सवाल तो बाकी लोग पूछ लेंगे, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये आलस का राज क्या है कि वीडियो आती ही नहीं है। तुमने बहुत गहरी सवाल पूछे हो। अगला क्वेश्चन पूछा है एनिमे हंगर भाई ने, क्या लगता है डोरेमोन कम्युनिटी के अर्निंग से बेटी बहू पाल पाओगे? नहीं भाई, फिलहाल तो एक जूते तक खरीद नहीं पा रहा हूँ। रिएक्ट टू योर ओल्ड नॉन वॉइस वीडियोस, वो तो अभी यूट्यूब में है ही नहीं, सब सबको यूट्यूब ने उड़ा दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा है श्वेता श्रीवास्तवा ने, विच इज योर फेवरेट डोरेमोन एंड शिनचैन मूवी अप टिल नाउ? तो डोरेमोन का अभी तक देखा हुआ मेरा फेवरेट मूवी है गैलेक्सी सुपर एक्सप्रेस। शिनचैन का फेवरेट मूवी है डार्क तमातमा। एंड क्या थ्री मैजिकल स्वॉर्डमैन का सेकंड पार्ट बनेगी? देखो अगर जो मैं बना रहा हूँ स्टील ट्रूप्स 2, उसको तुम अगर प्यार देते हो तो थ्री मैजिकल स्वॉर्डमैन 2 भी हम ही लाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है बी एस स्टूडियो भाई ने, चैनल में फोकस करो भाई। और भाई सब कुछ तो जानता हूँ, क्या ही पूछूँ। ओके भाई, चैनल में फोकस तो हो रहा है। हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है ब्रोकन होकागे ने, रैपिड फायर एनिमेशन एरा और एनिमे स्पिरिट? भाई ये तो कंट्रोवर्सी करवा के मानेगा, देखो दोनों के साथ ही मेरा दोस्ती है, ठीक है, लेकिन तुम तो कंट्रोवर्सी करवाओगे मुझे लग रहा है। एनिमे स्पिरिट नॉस्टैल्जिया के लिए और एनिमेशन एरा अपडेट के लिए, दोनों मुझे पसंद है, लेकिन फेवरेट है एनिमेशन स्पिरिट काउंटर, जाकर उसको सब्सक्राइब करो। व्यूक और बीबीएफ, अरे भाई ये तो कंट्रोवर्सी करवा के ही मानेगा, मुझे दोनों बहुत पसंद है, ठीक है, दोनों ओजी क्रिएटर है एनिमे का, ठीक है, चलो मैं चूज करता हूँ भ्यूक। अगला है पीजे और बीएनएफ टीवी, ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो, दोनों ही तो बहुत अच्छे हैं, बट मैं चूज करता हूँ फिलहाल पीजे एक्सप्लेन भाई को, एक बहुत पहले से देखता हूँ मैं उनको। अगला है रिरुरु और एंड्रॉयड 18, दोनों बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं, बचपन में रिरुरु बहुत पसंद था, अभी पसंद है, बट अब रिरुरु क्योंकि अंडर एज है तो मेरा फेवरेट एंड्रॉयड 18 है, ठीक है। जिराया और मास्टर रोशि, अब देखो जिराया खुद मास्टर रोशि का स्टूडेंट है और मैं हूँ जिराया का स्टूडेंट, मैं चूज करता हूँ जिराया सेंसेई को, मास्टर रोशि माफ कर देना मुझे, मुझे दोनों ही पसंद है, ठीक है।
टॉम एंड जेरी, हैरी पॉटर? नहीं, हैरी पॉटर मेरे लिए एस्केप है। इस शो को मैंने इतनी बार देखा हूँ कि पूछो ही मत। एंड विजार्डिंग वर्ल्ड के सारे मूवी मैं बहुत बार देख चुका हूँ, हैरी पॉटर तो मेरे जहन में है। लेकिन तुमने भाई टॉम एंड जेरी के साथ क्यों लड़वा रहे हो? टॉम एंड जेरी तुम्हारा बचपन का प्यार है और पहला प्यार हमेशा ही सबसे ऊपर हो जाए। तो टॉम एंड जेरी बहुत दुख के साथ चूज करना पड़ रहा है, मुझे दोनों बहुत पसंद है बट टॉम एंड जेरी। लास्ट, यू और पोकेमोन असेंबल है? पोकेमोन असेंबली कौन है? रुको देखता हूँ। अच्छा भाई के 2 मिलियन सब्सक्राइबर, क्या बात कर रहे हो? 4,000 व्यूज भी आते, क्या बात कर रहे हो? अब तुम लोग बताओ कौन कौन अच्छा है, ठीक है? मुझे नहीं पता, मैंने इसका वीडियो एक भी नहीं देखा। अगला क्वेश्चन पूछा है अननोन लेजेंडरी गेमर ने, बाप रे क्या नाम है, यो फेवरेट एनिमे नेम? तो देखो फेवरेट एनिमे तो बहुत बार बोल चुका हूँ नारुतो, बट इस बार मैं फेवरेट एनिमे मूवी का नाम बताता हूँ, वो है विस्प ऑफ द हार्ट, जिबली मूवीज का। अगर तुमने नहीं देखा तो जरूर से देखना, बहुत ज्यादा अच्छा मूवी है। योर फेवरेट गर्ल फ्रॉम रेंट अ गर्लफ्रेंड एनिमे? रेंट ए गर्लफ्रेंड मैं अभी तक नहीं देखा। हाँ मैं प्रिजन स्कूल वगैरह देख चुका हूँ, लेकिन रेंट ए गर्लफ्रेंड पता नहीं क्यों मैंने नहीं देखा, बाकी मैं देखूंगा जरूर। योर रिएक्शन ऑन डोरेमोन स्टैंड बाय मी निजी हिंदी वर्जन बाय ऑफिशियल सिंगर्स? हाँ इसको मैंने शेयर किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा गाए हैं इन्होंने, एंड ऑफिशियल सिंगर्स के तो हर गाने बहुत अच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आर राजपूत ने, भाई 100 रुपीज दे तो उसमें काम हो जाएगा, कौन सी काम की बात कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 65TG1 ने, भाई आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं डोरेमोन के बारे में वीडियो बना सकता हूँ, और यह चैनल का नाम कहाँ से आया? अब देखो बचपन से मैं डोरेमोन बहुत देखा हूँ एंड इसीलिए मैंने ये चैनल खोला था, एंड पहले भले मैं डोरेमोन पे डालता था लेकिन अभी लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही डोरेमोन कर दिया, अब मेरे ऑडियंस भी डोरेमोन हो गए हैं, कुछ भी करो तो कमेंट आता है डोरेमोन। अब डोरेमोन के चक्कर में बाकी सारे अब वीडियोज़ जो मैं सोच रहा था वो मैं ला नहीं पा रहा हूँ, तो भाई प्लीज़ थोड़ा डोरेमोन तो ज़रूर रहेगा, साथ में थोड़ा पोकेमोन सिंचन ये सब भी देखो, बाकी मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है? एंड ये चैनल का नाम फ्यूचर रोबोट, ये मैंने डोरेमोन से तो लिया था, हाँ लाइक फ्यूचर का रोबोट डोरेमोन, ठीक है, इसी से फ्यूचर रोबोट आया था। सो दैट्स इट फॉर 100 के क्यू एंड ए गाइस। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गया तो माफ कर देना यार, अगली बार जरूर से पिकअप करूंगा। एंड जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इस चैनल पर स्ट्राइक आ चुका है वो भी एक्टिव वाला, तुम्हारे सपोर्ट का बहुत जरूरत है। आने वाले वीडियोस को थोड़ा सपोर्ट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और मैं यूट्यूब पे कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल पे, तो रेगुलरली वीडियोस आएगा। बाकी इस बार तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे।